आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें आज की इस रविवार की आराधना के लिए, जब हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना को करने जा रहे हैं। सच में परमेश्वर महान है और हम सब उसके विश्राम दिन में प्रवेश करने पाए। हम सब धन्यवाद करें प्रभु का कि हम सब ने आज के दिन में परमेश्वर के विश्राम दिन में प्रवेश किया है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना सभा को आरंभ करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हमारे अधिपति, हमारे राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन, आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की इस रविवार की आराधना के लिए। हृदय से, तहे दिल से प्रफुल्लित होकर, आनंदित होकर धन्यवादी है मेरे पिता। सच में मेरे खुदावन कि प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु जी हमारे साथ प्रभु जी आज इस रविवार की आराधना में शामिल है परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करती हूँ पिता कि एक एक को प्रभु जी अपनी आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर। होली स्पिरिट, हम आपकी सहायता और मदद को आज की इस आराधना में मांगते हैं। जब हम भजन गाते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो आप हम सबकी सहायता और मदद करें। होने दे प्रभु जी कि हम सब आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना, तेरी स्तुति करने पाए परमेश्वर मेरे खुदावन। हाँ मेरे प्रभु, आप हम सब के हाथों को, हमारे होंठों को और प्रभु जितने भी प्रभु जी इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं प्रभु, आप उन्हें छू लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम सब आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें परमेश्वर पिता। सच में प्रभु, तू पवित्र है प्रभु, तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना में जाने से पहले भजन संहिता की किताब से पढ़ेंगे। आप सब मेरे साथ अपनी बाइबल को निकाल लीजिए और मेरे साथ मिलकर भजन संहिता 134 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा के सब सेवको सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन से तुझे आशीष देवे, आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना के लिए एक भजन को गाएंगे, जिसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। यदि आपको ये भजन आता है तो आप हम सब के साथ में मिलकर इस भजन को गाएं और परमेश्वर की स्तुति करें। अपने हाथों से तालियां बजाकर, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की आराधना करें, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम सब मिलकर भजन गाएं। आसमां के नीचे और धरती पर, प्रभु यीशु तेरा नाम, पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर,
मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे ऊंचा नाम सिर्फ तेरा नाम है परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु तू सर्वोत्तम है परमेश्वर, तेरे नाम सब नामों में ऊंचा है परमेश्वर पिता। तूने प्रभु हम सबको सहायक दिया है जो कि पवित्र आत्मा है। तूने हमें अनंत जीवन दिया है प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमें अपनी शांति दिया है प्रभु। सच में मेरे खुदावन तू दयालु है प्रभु, हम सबको तूने प्रभु जी अपना बेटा और बेटी बनाया है और तूने हमें बदले में सब कुछ दिया परमेश्वर, हमें उद्धार, अनंत जीवन, शांति और परमेश्वर अपना आत्मा हमें दिया है प्रभु। हृदय से धन्यवादी है परमेश्वर मेरे खुदा। ये आराधना जो भी हमने गाया और बजाया परमेश्वर पिता, ये तुझे ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। हम इस आराधना को तुझे अर्पित करते हैं परमेश्वर पिता, और आप प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आगे जब हम आपके वचन को सुनते हैं परमेश्वर, तो होने दे प्रभु जी, हम तेरे वचन में पिता आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर तेरे वचन को सुने और परमेश्वर स्थिर होकर परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बैठने वाले हो सके। जितने भी भाई बहन प्रभु तेरे वचन को इस समय सुनते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को तेरे लहू में छिपा लेते हैं, सबको पिता परमेश्वर आप सुनने वाले कान दीजिए, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। दुष्ट प्रभु तेरे वचन रूपी बीज को प्रभु इनके हृदयों से चुराने ना पाए परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेंस प्रभु जी वचन में ना होने पाए परमेश्वर। प्रभु हम प्रभु तेरे वचन का आदर करते परमेश्वर। प्रभु जब तेरे दास के द्वारा प्रभु ये वचन यहाँ पर बोया जाता है प्रभु, तो प्रभु आप अपने दास को भी परमेश्वर आप छू लें, अपनी आत्मा से भरे प्रभु, ताकि आत्मा के द्वारा वो वचन हमारे बीच में आने पाए प्रभु। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि विश्वास रखो तो तुम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखोगे। मेरे प्रियो, किस प्रकार से हम परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देख सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के कार्यों का अनुभव करें, कैसे परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म हमारे जीवनों में होंगे या फिर आपके जीवन में होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म आपके जीवन में केवल और केवल विश्वास के द्वारा होंगे। जब आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास रखते हैं, तब
परमेश्वर आपके जीवन में अपने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है, अपने कामों को परमेश्वर तब आपके जीवन में दिखाता है। और जब तक आप विश्वास नहीं रखेंगे तब तक परमेश्वर भी आश्चर्य कर्मों को आपके जीवन में नहीं दिखा पाएंगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा कार्य करते हैं। जब हम लोग परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं तब ही परमेश्वर हमारे जीवनों में आश्चर्य कर्म को करते हैं। मेरे प्रियो, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में देखते हैं, जब लाजर की मृत्यु हो गई तो मरियम मार्था ने यीशु मसीह को बुलावा भेजा, और जब यीशु मसीह वहां आए तो मार्था यीशु मसीह के पास गई और यीशु मसीह और सारे लोग कब्र के बाहर गए जहां लाजर को चार दिन से रखा हुआ था, मुर्दा लाजर को चार दिन से रखा हुआ था। जब यीशु मसीह कब्र के पास आए और यीशु मसीह ने कहा कब्र के ढक्कन को हटाओ, मार्था ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु अब तो लाजर से दुर्गंध आती होगी। परंतु मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा था कि तू विश्वास रख तो तू परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेगी। और मेरे प्रियो, यहां पर जब लाजर को चार दिन मरे हुए हो गए हैं, जबकि दुनिया जानती है कि लाजर के शरीर से अब दुर्गंध आती होगी, उसे चार दिन मरे हुए हो गए हैं, मार्था और मरियम को भी लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो सारी परिस्थितियां विपरीत हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे हैं कि यदि तू विश्वास रखेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसे कहना चाहते हैं कि तू विश्वास रख उस विपरीत परिस्थिति में, ऐसे समय में विश्वास रखने के लिए कह रहे हैं जब सारी परिस्थितियां विपरीत हैं, जब लाजर का जिंदा होना असंभव है, जब उस पर से दुर्गंध आने लगी है, तब प्रभु कह रहे हैं कि तब भी तू विश्वास रख, और यदि तू मुझ पर विश्वास रखेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रियो, ये एक अजीब बात है कि जब सब कुछ खत्म हो गया तब कैसे हम उस बात के लिए विश्वास कर सकते हैं। यदि आप और मैं वहां पर होते तो हम कभी भी विश्वास नहीं रख पाते, क्योंकि उसे मरे हुए तो चार दिन हो चुके हैं। जब सब कुछ खत्म हो गया है तो अब मैं क्यों विश्वास रखूं, किस बात के लिए विश्वास रखूं और कैसे मैं विश्वास रखूं। परंतु प्रभु यीशु मसीह को इस बात से कोई मतलब नहीं कि परिस्थिति कितनी विपरीत है, कितने दिन उसे मरे हो गए हैं, लोग क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। प्रभु केवल एक बात को जानते हैं कि यदि तू विश्वास रखेगा उस विपरीत समय में भी, उस कठिन परिस्थिति में भी, उस असंभव समय में भी, यदि तू विश्वास रखेगा तो परमेश्वर की तू महिमा को देगा। और मेरे भाइयों, क्या हुआ वहां पर, प्रभु यीशु मसीह ने उस कब्र के ढक्कन को हटवाया और लाजर से कहा, हे लाजर बाहर आ जा। लाजर, चार दिन का मुर्दा लाजर, जिसे लोग सोचते थे कि दुर्गंध आती होगी, वो लाजर कब्र से बाहर जीवित निकल आया। और जब लोगों ने इस आश्चर्य कर्म को देखा तो परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। मेरे प्रियो, ये आश्चर्य कर्म कैसे हुआ? आखिर प्रभु यीशु मसीह क्यों उस मार्था से कह रहे हैं कि तू विश्वास रख, तू विश्वास रख, ऐसी परिस्थिति में भी तू विश्वास रख। मेरे प्रियो, यही प्रभु यीशु मसीह आज आपसे भी कहते हैं, मुझसे भी कहते हैं कि अपने विपरीत परिस्थिति में भी विश्वास रखना सीखो। जब आप विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु पर विश्वास रखते हैं कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है, वो जंगल में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है, वो निर्जल देश में जल की धाराएं बहाने वाला परमेश्वर है, वो चट्टान से धाराएं बहाने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। जब आप इस प्रकार से प्रभु पर विश्वास रखते हैं तो आप अपने जीवन में मार्था की तरह
अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखते हैं कि 4 दिन का मुर्दा लाजर जीवित हो गया। तो क्या आपकी इन विपरीत परिस्थितियों को प्रभु ठीक नहीं कर पाएंगे? प्रभु उन्हें बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आपको उस समस्या से, उस परेशानी से, उस दुख से, उस कठिन समय से प्रभु आपको बाहर निकाल सकते हैं। पर जरूरत है आपको अंत तक धीरज रखने की, अंत तक विश्वास में बने रहने की। विपरीत परिस्थिति में भी जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर हो, जब सब कुछ खत्म हो गया हो, तब भी प्रभु पर भरोसा रखना है। और जब आप इस प्रकार का विश्वास रखते हैं तो आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं सद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में, उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया गया, परंतु उन्हें तब भी विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमें बचा लेगा, और उनके जीवन में ऐसा ही हुआ। दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, परंतु उसे फिर भी भरोसा था कि मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा। तो ऐसा ही उसके जीवन में भी हुआ। अब्राहम से जब उसके बेटे की बलि मांगी गई, तो उसे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा करने वाला परमेश्वर है, जिसने मुझे दिया है वो फिर से उसे मुझे वापस लौटा सकता है। फिर उसके जीवन में भी वैसे ही हुआ। मेरे प्रियो, जिसने प्रभु पर विश्वास किया, अय्यूब के जीवन में हम लोग देखते हैं विपरीत परिस्थिति में भी, जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, वैसी परिस्थिति में भी, उस कठिन समय में भी उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, तब भी उसने परमेश्वर की भलाई पर विश्वास किया, तो उसके जीवन में उसने 2 गुना आशीष पाई। दाऊद के जीवन में भी हम लोग देखते हैं, जब वो विपरीत समय में भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा, तो उसने जीवन भर परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देखा। यानी कि मेरे प्रियो, प्रभु का आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में तब होता है जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जब हम उस पर विपरीत परिस्थिति में भी, असंभव समय में भी, कठिन समय में भी, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं। क्योंकि बिना विश्वास के प्रभु भी हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास हो, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे समुद्र में गिर जा, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर कब? जब हम विश्वास में बने रहेंगे, जब हम उस पर विश्वास करेंगे कि जिस परमेश्वर पर मैं भरोसा करता हूं, वह संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो जब हम उसमें विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपकी परिस्थितियां उनके लिए बड़ी नहीं है, आपका कठिन समय उनके लिए बड़ा नहीं है, आपकी परेशानियां उनके लिए बड़ी नहीं है। वो तो उन्हें चुटकियों में खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। जरूरत है तो आपको उस लेवल का विश्वास दिखाने की कि मेरा परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालने में सामर्थ्य है। और परमेश्वर का वचन आप से कहता है, यदि तुम विश्वास रखोगे तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखोगे, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखोगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अंतिम प्रार्थना की ओर जाएं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हमारे जिंदा और जीवित परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन, आपने मेरे प्रभु हम सबको पिता परमेश्वर सुरक्षित रखा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर, आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता। सच में प्रभु, जब हम सब ने इस वचन को सुना और उसे अपने हृदयों में ग्रहण किया है प्रभु, तो होने दे पिता परमेश्वर ये वचन इन भाई बहनों के जीवन में जो इस समय परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठे, इन्होंने जब आपके वचन को सुना है परमेश्वर, तो होने दे प्रभु जी ये विश्वास करे परमेश्वर। यदि प्रभु इनके जीवन में कैसे भी विपरीत
समस्या आ रही है प्रभु, विपरीत समय से ये गुजर रहे प्रभु जी, मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु कि अपने विपरीत हालातों में भी परमेश्वर आप पर विश्वास रखे प्रभु जी, और प्रभु विश्वास के द्वारा ही अपने जीवनों में आश्चर्य कर्मों को देखे प्रभु। आज की इस समय में प्रभु जब ये अपने दुख बीमारी विपत्तियों को लेकर प्रभु आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, तो आप प्रभु जी इनके विश्वास के द्वारा इनके जीवनों में कार्य कीजिए परमेश्वर, इन्हें संकट विपत्ति से आप छुड़ाइए परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके नाम से प्रभु हम इन्हें नामों नाम आशीष देते हैं, होने दे हर एक जन तुझ पर विश्वास करने वाला हो सके और तेरे पीछे चलने वाला हो सके, ताकि विश्वास के द्वारा जिस प्रकार मार्था और मरियम के जीवन में आश्चर्य कर्म उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मुर्दा लाजर जिंदा हो गया, उसी प्रकार ये भाई ये बहन भी पिता अपने जीवन में आपके आश्चर्य कर्मों को देखे प्रभु, अपने परिवारों में अपने बच्चों के जीवन में अपने जीवन में आपके आश्चर्य कर्मों को देखने पाए पिता। हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, इस सभा को आपके हाथों में देते हैं, सबको आपके नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर आशीष वचन की ओर जाएंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे। अब हमारे पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके साथ, उनके परिवारों के साथ, और जितने भी विश्वासी इस धरती पर पाए जाते हैं उन सब के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। दोस्तों हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आप रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और संडे आराधना में हमारे साथ में शामिल होते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी पूरी प्रेयर टीम आप लोगों के प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना करती है, तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आप सबको जय मसीह।